जब भी तुम्हारे कमरे में आओ ना, तुम्हारा कमरा बिखरा हुआ मिलता है। अच्छा सुनो, ये देखो ये एल्बम, ये लड़कियों की तस्वीरें देख लो। क्या ये? क्या क्या मतलब बेटा? फल्की बुआ ने भेजी है ये तस्वीरें। मैंने नहीं देखनी कोई लड़कियां शड़कियां, मैंने शादी करनी, पहले मैंने सेटल होना। अच्छा सुनो, अपने चाचा के ना मुर्गी खाने में जाके बैठ जाया करो। मेरे से नहीं होता ये मुर्गियों के अंडों का हिसाब किताब, और आप क्यों इतनी टेंशन ले रही? बेटा जानी, मैं इस बात की टेंशन ले रही हूँ कि माशाल्लाह से फाजी का खानदान में रिश्ता हो गया है, तो मेरा भी देख ले कोई दाएं बाएं। और ये फल्की आपा का जो ये एल्बम है ना, ये उनको वापस करें। 2 साल से इन्हीं लड़कियों की पिक्चर्स लेके फेर रही, अब इनकी भी औलाद हो गई। हाँ बोलो मिशी। अम्मा पहुंच गई है बेबे के साथ लड़ने, प्लीज आप जाकर देखें। लड़ने? अब क्या हुआ? वो आपा ने भड़का कर भेजा है उन्हें, आप जाकर देखें तो सही, प्लीज मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा तुम फोन रखो, मैं देखता हूँ। क्या हुआ बेटा? अम्मा और बेबे नीचे पानीपत का महाज बना के बैठी हुई हैं। जिंदगी गुजर गई है मगर इन दोनों के आपस के झगड़े खत्म नहीं होते। तू तो सजदे में गिर के शुक्र अदा कर, मेरे मासूम बेटे ने कुर्बानी दे दी, वरना मुंह ना लगाता तेरी फुआड़ पोती को कोई। नहीं जानी शुक्राने के नफल तो तू अदा कर के उन फ्रॉडी लोगों से तेरी जान छुट गई, वरना सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रहती तू। ये क्या दंगल मचाया है आप दोनों ने? देख ले अपनी दादी को, रोक ले इसे, 1000 मील दूर रखे अपनी पोती को मेरे मिठल से। अच्छा जी, अच्छा खुलो जाओ खुलो जाओ। हेलो फाजी पुत्र, क्या? हाँ मैं बिल्कुल ठीक, तू सी क्यों सद के जाए? पुत्र वो एक काम था तेरे से, तू ना जरा आज मीनू को ना काले से जरा ले लेना, पिक कर लेना, तो चाचा जरा बिजी चल रहा है का? हाँ माँ सद के, आई लव यू टू, सद के जावा तेरे। हाँ बड़ी महंगी पड़ेगी तेरी ये बदपरवरी तुझे, बड़ी महंगी। जा नहीं जाके चाटा संभाल अपना, चुपे मुंह वाली कोटकिली। नहीं जा, लंबे नाक वाली मुंह चलता पे नाक। बेबे क्यों करती है ये सब? ओ छड़ परे, आजा इधर बैठ के स्टेटस लगाते।